इस्तीफे के बाद कार्तिक सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में विभाग बदलने से उनको कोई नाराजगी नहीं है, पर बीजेपी के लोगों को मंत्री पद पर रहते मैं पच नहीं रहा था। बीजेपी को लग रहा था एक भूमियार मंत्री कैसे बन गया, इसलिए मेरा मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा था। कई तरह के आरोप लगाए गए, और भी उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सर, ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, 15 दिन से हम मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सहनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है, तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत में है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहता है हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना? आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है, तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है।